अरे कुछ नहीं, बस यूं क्योंकि तुम हो, अब तुम ही हो जिंदगी। सो हे गाइस, यार कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू स्टेटस वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो एडिट करने के लिए लाइट मोशन में आ जाना है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। लाइट मोशन में आने के बाद प्लस पे क्लिक करना है, एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 916 के साइज में। प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस बार से आपको फोल्डर को सिलेक्ट करना है और जो भी आपका फोटो, अपनी फोटो को यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। शेयर का आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पेंज को सिलेक्ट करके स्पोर्ट पे क्लिक करना है। फोटो को सेव कर लेना है। इस प्रोजेक्ट से बैक आके आपको बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। सिलेक्ट करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको लेयर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। योर फोटो लेयर एंड कलर एंड फिल पे क्लिक करके सिलेक्ट मीडिया करना है। ऊपर आपको फोल्डर सिलेक्ट करना है, अपने जो फोटो क्रॉप किया उसको सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, सिलेक्ट मीडिया करके वही सेम फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, सेम फोटो को ऐड करना है। सेम प्रोसेस से इसी प्रकार से आपको जो अपनी फोटो को ऐड करते रहना है, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। तो आपको लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके सिलेक्ट मीडिया करना है, फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से बस इसी प्रकार से आपको जो फोटो को ऐड करते रहना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है गाइस। तो इसी प्रकार से आपको जो अपनी फोटो को ऐड करते रहना है इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। तो लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट मीडिया करना है, फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो इस प्रकार से। ओके, फिर आपको ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, ये छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।